इधर किसान बिल को लेकर राज्यसभा में रविवार को हंगामा करने वाले 8 विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। सरकार की ओर से विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के प्रस्ताव पेश किया गया था। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें टीएमसी सांसद डेरिक ओब्रायन, संजय सिंह, डूला सेन, राजीव साटव शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने टीएमसी सांसद डेरिक ओब्रायन का नाम लिया और उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा। विपक्ष की ओर से उपसभापति के खिलाफ पेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि मुझे उससे दुख हुआ जो कल यहाँ हुआ, ये राज्यसभा के लिए बुरा दिन था। वहीं कुछ सदस्यों ने उपसभापति पर कागज उछाले। उपसभापति के मुताबिक उनके लिए गलत शब्द भी निकाले गए।